हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में पैन कार्ड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको नेशनल पेंशन स्कीम में एक पैन कार्ड दिया जाता है, जैसे आपके पास पैन कार्ड होता है, वो भी डिटेल में बताएंगे। कितने तरीके का टाइप्स ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, क्या हम लोग दो एनपीएस अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, इस पे भी डिटेल में दोस्तों बातचीत होगी इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो दोस्तों बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए। हमने एनपीएस पे डिटेल एक सीरीज़ स्टार्ट की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे सारे के सारे जितने भी हमने अब तक वीडियोज़ बनाए हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम कि एनपीएस में पैन नंबर क्या होता है। दोस्तों, जैसे आपके पास पैन कार्ड होता है उसमें पैन नंबर होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे ही आपको एनपीएस में एक पैन कार्ड मिलता है जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक दोस्तों, जब कभी भी आप अपना एनपीएस का अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक पैन कार्ड इशू किया जाता है जिसमें कि 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर रहता है। ठीक है, तो कार्ड दोस्तों जनरेट होता है, ये वन टाइम जनरेट होता है और पूरी लाइफ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपकी पहचान होती है एनपीएस में अकाउंट की, जो आपका पैन नंबर होता है वो आपकी पहचान होती है एनपीएस अकाउंट की। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट की, तो दोस्तों इसमें एनपीएस अकाउंट के दो टाइप होते हैं। पहला होता है टीयर वन, दूसरा अकाउंट होता है दोस्तों टीयर टू। ठीक है, बात करें अगर टीयर वन अकाउंट की, तो दोस्तों ये अकाउंट कंपलसरी होता है। टीयर टू जो अकाउंट होता है वो ऑप्शनल होता है। तो टीयर वन का अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया ये कंपलसरी होता है। जब भी आप एनपीएस यूज़ कर ओपन करते हो एनपीएस में अकाउंट, तो पहले आपका टीयर वन अकाउंट खुलता है। ठीक है, ये एक नॉन विड्रॉएबल रिटायरमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आप जो अपना पैसा है रिटायरमेंट के टाइम पे ही 60 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल केस में अगर आप पार्शल विड्रॉल वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, वो भी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में एक एक अकाउंट को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आप अपने पैसे को टीयर वन अकाउंट से 60 साल की एज होने के बाद ही निकाल सकते हो जब आप एग्जिट कंडीशंस को मीट करोगे। टीयर वन अकाउंट पे दोस्तों आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टीयर टू अकाउंट की, ये एक ऑप्शनल अकाउंट होता है। जब आपका टीयर वन का अकाउंट खुल जाता है एनपीएस में, तो अगर आप चाहें ठीक है तो टीयर टू अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ये एक विड्रॉएबल अकाउंट होता है, इसमें से आप अपने पैसे को कभी भी जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस अकाउंट में दोस्तों आपको कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट्स जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या एक इंसान दो एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, एक इंसान एक ही एनपीएस का अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए मल्टीपल एनपीएस अकाउंट खुलवाना अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में हमने जाना कि क्या हम एनपीएस के दो अकाउंट खुलवा सकते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं। टाइप्स को जाना दोस्तों, कौन से टाइप्स होते हैं एनपीएस के, पैन नंबर क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिटेल में जानी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।